ध्यान, ज्ञान और सफलता से पूरा विश्व इस साल नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, जिसकी शुरुआत भारत ने की थी। हमारे देश में योग और ज्ञान को हमेशा सर्वप्रथम रखा गया है। इस दिवस का सम्मान करते हुए टेक्स्टबुक लेकर आया है ध्यान, ज्ञान और सफलता सेल, जिससे होंगे हर आंगन में सिलेक्शन। इस सेल में आपको मिलेंगे अप टू 90% तक का डिस्काउंट 20 से 22 जून तक। तो अगर आप भी SSC, बैंकिंग, रेलवे, UGC नेट, CSIR नेट, डिफेंस, AJEE, गेट, स्टेट PSC और UPSC से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत जाइए और टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग में इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी अभी शुरू कीजिए और अपने जीवन में योग के लिए हमेशा समय निकालिए, क्योंकि टेक्स्टबुक आपकी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग UGC नेट यूट्यूब चैनल। मायसेल्फ प्रीति और UGC नेट पेपर 1 फैकल्टी। सो आई होप सभी फिट एंड फाइन हैं। और जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, आज मैं छोटा सा एक टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि आज आपके एग्जाम वाइंड अप हो चुके हैं। तो पेपर 1 क्या सच में आपका टफ गया है, या फिर इसका कोई कट ऑफ के ऊपर असर पड़ेगा? तो बहुत सारे सवाल टेलीग्राम पे भी और इंडिविजुअल भी वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आए हैं, मैम किस तरीके से हम अब आगे के लिए प्रिपेयर करें? तो वो सारी छोटी सी वीडियो में डाउट्स मैं आप लोगों की क्लियर करने वाली हूँ। तो प्रैक्टिकल सी बातें करेंगे, विद लॉजिक करेंगे हम लोग, ताकि दिसंबर में आप लोग वो गलतियां ना करें और दिसंबर के अंदर आप अभी से फोकस रह के चले। बिकॉज 10 बार एग्जाम में बैठने से बेटर है एक बार आप ऑनेस्टली और अच्छे से प्रिपरेशन करके बैठ जाएं। तो मैं तो यही चीज रिकमेंड करूंगी, बाकी आप लोगों की चॉइस है कि आपको 10 बार बैठना है या एक बार सीरियस होकर बैठना है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जस्ट काइंडली नोट कर लीजिए कि जो मेरे क्लासेस की टाइमिंग है बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, जिसमें 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे है और 7 बजे मंडे टू फ्राइडे आपका फ्री मास्टर क्लास होता है टेक्स्टबुक ऐप के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चे पेपर वन को ना फोबिया लेके चलते हैं कि मैम पेपर 1 टफ है, DI टफ है, मैथमेटिकल रीजनिंग टफ है। और हालांकि अब की बार तो पेपर 1 ने फिर से गेम चेंज किया है, ठीक है? पेपर 1 का अगेन ये गेम चेंजर रहा, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक छोटा सा और अनाउंसमेंट, जिसमें आपका सेल का ये लास्ट डे है और 7799 के अंदर आपको ये 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें फ्री टेस्ट बुक पास है आपको। उसके अलावा आप लोगों को वीडियो कोर्सेज, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। कंप्लीट कैटेगरी को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई प्रीति एच कूपन कोड, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि पेपर 1 क्या सच में इतना टफ था। तो अगर मैं बात करूं, पेपर 1 स्टिल आपका गेम चेंजर रहा है। कैसे गेम चेंजर? अगर आपने देखा हो, काफी शिफ्ट के अंदर पेपर 2 आपका टफ गया है, ठीक है? और पेपर 1 आपका मॉडरेट लेवल का गया है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स के फीडबैक की बात करूं जो रेगुलर हमारे साथ टच में है, देखो आपको पता है कि मैं 3-4 साल से इस प्रोफेशन के अंदर हूँ, ठीक है, इसके अंदर। तो उसके अलावा भी अगर मैं बात करती हूँ, तो अभी जो स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आया है और जो लगातार मतलब जैन से या फिर पहले से हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स, उनको पता है कि जितनी चीज़ें हम लोगों ने कवर कराई क्लासेस में, इवन डिटो एज इट इज़ भी आपके एग्जांपल्स पूछे गए हैं एग्जाम में, मतलब ये लगा लीजिए 80-90% चीज़ें आप लोगों की एग्जाम में वही आई हैं। अगर आप लोगों को लॉजिकल चीज़ें लगती हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है? तो 80-90% जो हम लोगों ने क्लासेस के अंदर कवर किया, इवन आप टेलीग्राम के ऊपर स्क्रीनशॉट्स भी मैंने शेयर किए हैं कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने फीडबैक दिया, तो वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट मिनट पर प्रिपेयर किया है, तो डेफिनेटली आपके लिए क्या रहा है, ये पेपर टफ रहा है। बट अगर मैं बात करूं, अभी NTA ने सिर्फ चेंज क्या किया है, अगर चेंज की बात करूं तो सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर थोड़े लेंथी कर दिए हैं। पहले 1-liner क्वेश्चन पूछे जाते थे और अभी ये थोड़ा लेंथी कर दिया। और ये क्यों रीज़न है, क्योंकि आपको पता है 10 units हैं, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा और हर साल वो कॉपी पेस्ट पर नहीं चलता है NTA, ठीक है? ऐसे ही अभी देखो 2-3 साल के अंदर आप लोगों ने देखा पेपर 2 है। अब एग्जामिनर को पता था पेपर 2 का फंड, आप सभी को क्लियर है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे और ये टॉपिक कर लो और इससे हम लोग ठीक से निकल जाएंगे। बट अगर आपने अब की बार देखा हो, मोस्टली शिफ्ट में बच्चा यही बोला कि मैम पेपर 2 हमारा क्या है, टफ गया, बट पेपर 1 हमारा अच्छा निकल गया। तो पेपर 1 का लेवल तभी आपको टफ लगेगा अगर आप लोगों ने कॉन्टिन्यूटी नहीं बनाई है। और ये चीज़ दिसंबर वाले बच्चे भी अंडरस्टैंड कर लीजिए, अगर आप आज से क्लासेस देखना शुरू करते हैं, मीन्स अभी रूटीन में क्लासेस करते, तो आपके लिए पेपर 1 इतना अमेजिंग गेम चेंज करेगा कि अगर आपका पेपर 2 कहीं ना कहीं वीक है, बिकॉज पेपर 2 बहुत वास्ट जाता है। और आप अपने आप को देख लीजिए, आप 5 साल अपनी मास्टर बैचलर में लगा के आए हैं, अभी भी आप पेपर 1 पे वैसे ही फोकस कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा फोकस भी करते हैं और फिर भी आप 70-80% कर पाते हैं। तो पेपर वन क्यों ना ये आप लोगों का गेम चेंजर बन जाए, ताकि आपका जो जो लेवल है, जो JRF है या फिर आपका नेट है, उसके स्कोर को ये क्या कर ले, बैलेंस कर ले। दूसरी बात, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ये जाहिर सी बात है, अगर पेपर आपका टफ आता है तो कट ऑफ आपकी लो जाती है, और अगर आपका सभी के लिए ईजी रहता है तो कट ऑफ पे कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। बट अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो पेपर आपका क्या है, इट विल बी योर मॉडरेट लेवल, ठीक है। तो ये मॉडरेट लेवल का आपका क्या है, एग्जाम है। तो इसके अंदर आप लोगों को अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पेपर वन किस तरीके से कितना टफ गया है। बाकी अगर आप इसी से एग्री करते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर पढ़ाई की है तो डायरेक्ट हमारे नोट से क्वेश्चंस आए हैं और पेपर वन उनके लिए टफ नहीं था, बस लास्ट मिनट में जो प्रिपेयर करता है शायद उनके लिए टफ हो सकता है। सो ये था आज का छोटा सा वीडियो, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि मैम दिसंबर में क्या इससे भी ज्यादा टफ आएगा या फिर लेवल हमारा और इंक्रीज हो जाएगा। तो जस्ट बिलीव करिए, पेपर वन की प्रिपरेशन के लिए हम लोग दी बेस्ट चीजें आप लोगों को देंगे। हाँ, बट रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगेन फिर से इसको गेम चेंजर हम लोग बनाने के लिए इसको रेडी है। तो आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर क्या फीडबैक है, किस तरीके का आपका पेपर वन गया है, क्या आप लोगों को हमारे नोट से हेल्प मिली है, तो ये सारे आप अपने अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम आपके सजेशंस कोई भी हैं। सो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए अगर आपको पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल काइंड ऑफ लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग UGC नेट और पेपर वन पेपर टू क्लासेस के लिए। थैंक यू वंस अगेन।